आज मैं आपको सूजी और आलू का ऐसा नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो आप यकीन मानिए, एक बार बनाओगे तो हमेशा नाश्ते में यही बनाना पसंद करोगे। तो चलिए वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले एक कप बारीक वाली सूजी लेकर साथ में आधा कप दही डालेंगे और बाद में दही जितना ही यानी कि आधा कप पानी डालकर साथ ही साथ स्वादानुसार नमक डाल के डाले हुए सभी चीज़ों को आपस में मिलाकर सूजी को भीगने के लिए 10 मिनट तक रेस्ट देना है। तो सूजी भीग रही है, तब तक हम फटाफट आलू मसाला बनाकर लेते हैं। तो उसके लिए किसी प्यान या कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच तेल को गरम करके पहले आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ थोड़ा प्याज, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची, 6 से 7 कड़ी पत्ते और आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर इन सभी चीज़ों का कच्चापन निकल जाने तक भून कर लेना है। अभी इसमें 2 चुटकी हल्दी डाल के फिर से 10 से 15 सेकंड तक चम्मच चलाएंगे और बाद में इसमें जाएगा आलू। यहाँ पर यह मैंने बॉईल किए हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैश करके लिया है। अब इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो करके इसे मिलाते हुए मसाला बनाएंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें आप आपके पसंद के अनुसार कुछ ड्राई मसाले भी डाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हमारा आलू मसाला बन के तैयार है और इधर सूजी भी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही और टोटल 1 कप पानी का इस्तेमाल करके इस तरह का बैटर बनाइए। और लास्ट में यानी कि तुरंत नाश्ता बनाना हो तब 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर थोड़ा सा मिलाकर ले। हाँ, आप चाहे तो सोडा के बदले इनो डालोगे तो भी चलेगा। अभी इसे उठा के चलते हैं स्टीम देने के लिए। तो इधर पहले ही पानी को गर्म होने के लिए गैस पे रखा था। तो पानी में कोई कटोरी या स्टैंड को रख कर ऐसे स्क्वायर वाली या फिर आपके पास जो भी हो उस प्लेट को तेल लगा के रखिए। फिर सूजी के बैटर को प्लेट के साइज के हिसाब से प्लेट में डाल दीजिए। हाँ, फूलने के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए, पूरी के पूरी प्लेट ऊपर तक ना भरे। अभी इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक स्टीम देंगे। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि यह पका है कि नहीं। ये देखो, आप स्टिक पे गीला बैटर नहीं चिपका यानी कि अच्छे से पका है। तो निकालने के बाद जब ठंडा हो जाए आप मनचाहे पीसेस में काट कर किसी पसंदीदा चटनी के साथ इसे ऐसे भी खाओगे तो यह टेस्टी ही लगेगा। लेकिन मैंने इसे 4 बड़े हिस्सों में काट लिया है क्योंकि मैं इसका सैंडविच के तरह नाश्ता बनाने वाला हूँ। आप भी ये प्रोसेस करोगे तो इसके स्वाद और टेस्ट में बढ़ोतरी होगी। तो कट किए हुए पीस को बीच में से चीरा लगाकर ब्रेड के स्लाइस की तरह ऐसे स्लाइस बना के तैयार करें। फिर एक स्लाइस के ऊपर टेस्ट के हिसाब से टोमेटो केचप लगाकर बनाए हुए आलू मसाला में से 1 या 2 चम्मच मसाला उसके ऊपर इक्वली फैला कर ले। हाँ, चाहे तो आप टोमेटो केचप के बदले धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो। अभी आलू मसाले के ऊपर दूसरा वाला स्लाइस चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बनाकर दिखाया है, आप इसी तरह सभी बना के तवे को तेल लगाकर तवे पे डाल के रोस्ट करिए ताकि नाश्ते में थोड़ी सी क्रिस्पनेस आ जाए और खाने के लिए भी मस्त मज़ेदार लगे। तो पलट पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि यह दोनों साइड से सिक चुका है यानी कि नाश्ता तैयार है। तो इसे बना के आप सुबह के नाश्ते में खाइए, नहीं तो टिफिन बॉक्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को बेहद पसंद आएगा।